जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की आराधना के लिए सिंध की छावनी स्थित दिगंबर मुनीश्वरनाथ जैन मंदिर में मुनीश्वरनाथ महिला मंडल की ओर से 48 दिवसीय 29 मार्च से 16 मई तक भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के समक्ष संगीतमय भक्तंबर महिमा पाठ का आयोजन भव्य रचाया गया, जिसका समापन मंगलवार को भक्तंबर महाविधान के साथ बड़े उत्साह के साथ किया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि भक्तंबर विधान में विधानाचार्य अनुभव प्रकाश जैन ने मंत्र का उच्चारण कर पीले वस्त्र धारण कर इंद्रों ने नवीन चांदी की पांडुक शिला पर भगवान आदिनाथ को विराजित कर कलशों में जल भरकर जयकारों के साथ अभिषेक किया। मंत्रों से शांतिधारा संजय जैन व प्रदीप जैन परिवार ने की भक्तामर विधान में विधानाचार्य अनुभव प्रकाश जैन ने 48 मंत्रों के उच्चारण के साथ 108 जैन परिवारों सहित श्रद्धालुओं ने अलग अलग अष्ट द्रव्य पूजन सामग्री लेकर भजनों पर भक्ति में स्वरों के साथ भगवान आदिनाथ के समक्ष भक्तामर मरने पर श्राद्ध भक्ति के साथ 48 महाअर्घ समर्पित किए। वहीं 48 दिवसीय भक्तांबर सहयोग करने वाले ओम प्रकाश जैन, अनीता जैन, माया जैन, संगीता जैन, सुषमा जैन का मुनीश्वरनाथ महिला मंडल की अध्यक्ष मंजू पाटनी, सचिव सुषमा जैन, रक्षा पाटनी, रेखा जैन, इंदु जैन, स्नेहलता जैन, किरण जैन, मंजू जैन, सुनीता जैन आदि ने सौल श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मंदिर समिति के प्रमोद जैन, निर्मल पाटनी, माया राम जैन, अतुल जैन आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। खबर हर पल के लिए सचिन जैन की खबर।